क्या होगा एमसीक्यू 2 मोस्ट पावरफुल सुपरहीरोज ने फाइट कराया तो कौन होगा इस फाइट का विनर। और ये कैरेक्टर्स हैं थॉर जो एस्गार्डियन एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में रैंक करता है, और दूसरा है प्रेडेक्टर बियॉन्डर जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है और यहां तक यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर क्रिएट भी कर सकता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुई, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहले बात करते हैं थॉर की कुछ बेसिक पावर्स एबिलिटीज की और जानते हैं थॉर के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ, अब थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल मानी जाती है एमसीयू में और थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से रैंक करता है। और थॉर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग गॉड का बेटा है जो ओडिन और एक बहुत ही पावरफुल गॉड रह चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के। थॉर ने अपने एक ही स्ट्राइक में हल्क को बहुत ही आराम से डिफीट कर दिया था फाइट में, और वही हल्क जिसने थॉर आर्मी की वाट लगा डाली थी, लेकिन थॉर के सामने हल्क की पावर्स नहीं चली थी। तो आपको अंदाजा लग गया है कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। थॉर की स्पीड बहुत ही फास्ट है और थॉर अपने वेपन्स की हेल्प से बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, और थॉर की स्पीड काफी ज्यादा है। थॉर ने बहुत ही वॉर्स एंड बैटल्स करी हैं, और थॉर को अगर डैमेज हो जाए फाइट में तो थॉर अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। थॉर के पास है एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, इनकी हेल्प से थॉर ने बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को किल भी करा है फाइट में। और थॉर के पास है म्यूनियर, और इसको हमने थॉर के पास हमेशा ही देखा है, और ऐसा लगता है कि ये वेपन थॉर के लिए ही बना है। इसी वेपन को यूज करके थॉर ने सैटर की फुल आर्मी को खत्म कर दिया था फाइट में, और ये वेपन अपने ओनर के पास वापस आने की एबिलिटी भी रखता है। स्टॉर्म ब्रेकर, अभी वेपन हैमर एंड कुल्हाड़ी दोनों का ही शेप वाला वेपन है, और इसे थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में बनवाया था, और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स से कलेक्शन पावर तक को बीट कर दिया था फाइट में, और ये वेपन थॉर की पावर्स को बूस्ट कर देता है जिससे थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये दोनों ही वेपन्स थॉर के बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं, और इनकी हेल्प से थॉर ने बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से किल भी कराया है फाइट में। थॉर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि थॉर ने हेला की फुल आर्मी को बहुत ही आराम से किल कर दिया था फाइट में, और सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हेला को ही बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी फाइट में। और थॉर की जो फाइटिंग स्किल्स है बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। थॉर की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थॉर ने बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग विलन्स के भी अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था। और यही नहीं, थॉर ने स्टार्क रेडिएशन तक को सर्वाइव करा है अपनी बॉडी पर, जो करना शायद किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ जाएगा। थॉर की रूपा पर बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि थॉर ने हैवी से हैवी वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट करा है अपनी बॉडी पर। थॉर का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है, थॉर नॉन स्टॉप फाइटिंग कर सकता है, और थॉर चाहे तो अपने स्टेमिना को बूस्ट भी कर सकता है। तो ये तो बात होगी थॉर की, तो अब बात कर लेते हैं बियॉन्डर की और जानते हैं बियॉन्डर के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। बियॉन्डर की स्टैंड बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि बियॉन्डर ने हल्क और आयरन मैन को बहुत ही आराम से डिफीट कर दिया था फाइट में। बियॉन्डर चाहे तो इन सभी कैसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है, और बियॉन्डर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है। बियॉन्डर के पास है टेलीकाइनेसिस पावर्स, और इसकी हेल्प से बियॉन्डर किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बियॉन्डर इतना ज्यादा पावरफुल है कि प्लैनेट्स को भी क्रिएट कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बियॉन्डर की स्पीड बहुत ही फास्ट है, और बियॉन्डर लाइट की स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और बियॉन्डर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, और किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है, और किसी भी डायमेंशन में आया जा सकता है। और बियॉन्डर की जो स्पीड है बहुत ही तेज है। बियॉन्डर किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसे अपना गुलाम बना सकता है। बियॉन्डर टाइम कंट्रोल भी कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है, टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। बियॉन्डर किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बियॉन्डर इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी की भी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। बियॉन्डर बहुत ही इंटेलिजेंट, और बियॉन्डर अपने इंटेलिजेंस की यूज करके बहुत ही आराम से बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट भी कर चुका है फाइट में। और बियॉन्डर बहुत ही इंटेलिजेंट है। बियॉन्डर का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है। बियॉन्डर कई सालों तक फाइटिंग कर सकता है नॉन स्टॉप, और बियॉन्डर का जो स्टेमिना है बहुत ही ज्यादा है। बियॉन्डर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब कोई बंदा बियॉन्डर को मार नहीं सकता है फाइट में, और इस पावर के थ्रू बियॉन्डर बन जाता है ओवर पावरफुल कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों में फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर, कौन इस फाइट को जीत जाएगा। तो हम इन दोनों की पावर्स एबिलिटीज का पता लगा चुके हैं, और ये दोनों बहुत ही पावर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। थॉर जो अपनी पावर्स के बेस पर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि इसने थैनोस की आर्मी को खत्म कर दिया था फाइट में, और खुद थैनोस को भी खत्म कर दिया था, और ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मार्वल का। बियॉन्डर जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सिर्फ सोचने से प्लैनेट्स क्रिएट भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि गैलेक्सीज भी क्रिएट हो सकती हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, और ये एक ही झटके में किसी भी कैरेक्टर को बहुत ही आराम से खत्म कर सकता है। तो उससे ये पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इन दोनों की फाइट हुई फेस टू फेस तो इस फाइट का जो विनर होगा वो है बियॉन्डर, क्योंकि बियॉन्डर के सामने थॉर की नहीं चलेगी, क्योंकि बियॉन्डर थॉर से कहीं ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और बियॉन्डर की स्ट्रेंथ सरपास करना थॉर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस फाइट का जो विनर है वो है बियॉन्डर। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, आपको इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू ओरोस प्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।